किसी से भी पूछिए कि मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है तो अक्सर लोग जाम मस्जिद दहली का नाम ले लेंगे लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद सबक नवाबी रियासत भोपाल की ताज अल मसाजिद है दिलचस्पी की बात यह है कि इस मस्जिद का बानी रियासत का कोई मर्द नवाब नहीं बल्कि तीसरी खातून हुक्मरान नवाब शाहजहां बेगम है जिन्हें अपने मुग़ल हमनाम शाहजहां की तरह तमीरात का बेहद शौक़ था भोपाल की ताज अल मसाजिद दहली की जामे मस्जिद दहली से लगभग 28 फीसद अतहाई बड़ी है इस तीन मंजिला मस्जिद का अंदरूनी व बैरूनी अता इस कदर वसी वरीज़ है कि एक वक्त में पौने दो लाख अफराद बाजमात नमाज पढ़ सकते हैं बाज़ किताबों में तो उसे बेसगीर की पुरानी मसाजिद में सबसे बड़ी और दुनिया की तीसरी बड़ी मस्जिद लिखा गया है ये दावे तो तहकीक तलब हैं लेकिन पैमाइश के आदाद व शुमार को मद्देनजर रखते हुए इसके इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद होने में कोई शक और शुबा नहीं है इसकी मुनफिद पहचान और शानदार शक्ल और सूरत के अलावा जो चीज़ इस मस्जिद को ख़ास बनाती है वो मस्जिद की तामीर के पीछे की मुनफरिद कहानी है इसकी तकमील में एक सदी से ज़्यादा का अरसा लगा है और शक्ल और सूरत में जाम मस्जिद दहली से काफ़ी हद तक मुशाबाह रखती है नवाब शाहजहां बेगम ने 16 अक्टूबर एक को ताज अल अल-मसाजिद की तामीर शुरू करवाई थी लेकिन ये मस्जिद अभी नस्फ ही बन पाई थी कि 1901 में नवाब मौसुफ़ा का इंतकाल हो गया नवाब सुल्तान जहां बेगम और नवाब हमीद अल्लाह ख़ान ने भोपाल का इंतज़ाम संभाला लेकिन दोनों में से किसी ने भी इसकी तकमील की तरफ तोज्जो न दी कमो बेश सत्तर साल बाद एक हज़ार नौ सौ इकहत्तर में एक मक़ामी मौलाना मोहम्मद इमरान ख़ान नदवी ने मस्जिद की तकमील की तहरीक शुरू की और मकामी व बैन अल्कामी सतह पर जमा किए जाने वाले चंदे से बाकी मानदा काम को पाया तकमील तक पहुंचाया मस्जिदें तामीर करवाने का शौक़ भोपाल की चौथी और आखिरी खातून हुक्मर सुल्तान जहाँ बेगम अपनी वालदा नवाब शाहजहा बेगम की सवान उमरी हथन शाहजहानी में लिखती हैं तमीरात में सरकान आलिया शाहजहां बेगम का शौक और हौसला उनके हम नाम शाहजहां शहनशाह दहली से कुछ कम न था उन्होंने अपने ज़माना में जिस कदर इमारतें बनाएं उनकी फहरिस्त नहायत तवील है जिस जगह पर यह मस्जिद बनी है वो इस जमाने में शहर की ईदगाह थी शाहजहां बेगम के ही अहद में ये ईदगाह दूसरी जगह मुंतकिल कर दी गई थी जब ईदगाह की जमीन जो कि कई एकड़ अराजी पर मुश्तमिल थी खाली हुई तो शाहजहां बेगम ने मशवरा किया कि क्या इस जगह पर कोई सरकारी इमारत आ महल की तामीर की जा सकती है उल्मा ने कहा कि चूंकि पहले यहाँ एक ईदगाह थी लिहाजा ये ज़मीन मस्जिद के लिए मौजूं है और ये जगह महज़ इबादत के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है ये फ़तवा सुनकर शाहजहां बेगम ने एक अजीम मस्जिद बनाने का इरादा किया चूंकि रियासत भोपाल के सबक नवाबों ने भी अपने अपने अहद में मस्जिदें तामीर करवाई थी लिहाजा शाहजहां बेगम ने इस जगह पर सबसे बड़ी मस्जिद तामीर करने का मंसूबा बनाया और उसका नाम ताज अल मसाजिद रखा यानी मसाजिद का ताज मजीद वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।